राम राम। मैं जब भी रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण है, ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। मैं कल ही दो देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती हैं, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। भारत ने G20 का सफल सम्मेलन किया तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुंचा
जहां कोई नहीं पहुंच सका तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना, ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योतिसर में कृष्णा सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे हैं कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। यह हमने करके दिखाया।
देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। और तो और, कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। साथियों, यहीं रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपये दिखाकर वन रैंक वन पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत, वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करो तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए, जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिल रहा है उससे भी कम कांग्रेस ने
पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट में रखा था, सिर्फ 500 करोड़।